हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जया चौधरी। आई एम फ्रॉम श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फिफ्थ सेमेस्टर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट स्टिग्नोग्राफी। हम आज ये जानेंगे कि स्टिग्नोग्राफी होता क्या है। तो स्टिग्नोग्राफी इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू हाइड ए कॉन्फिडेंशियल डेटा बाई इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क एक्सेट्रा। द वर्ड स्टिग्नोग्राफी इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टिग्नोस meaning hidden or covered, and the root graph meaning to write. Stygnography can be used to conceal almost any type of digital content including text, image, audio, video content and content. The data to be hidden can be hidden inside almost any other type of digital content. The content to be concealed through stygnography called hidden text. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कोई भी confidential data हो उसको हाइड कर सकते हैं बाई इमेज एंड अदर डिजिटल कंटेंट। तो जो भी डेटा हम जिसको हाइड करें उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन टेक्स्ट। नाउ हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की ओर स्टिग्नोग्राफी के। तो स्टिग्नोग्राफी इज प्रैक्टिस्ड बाई दोज विशिंग टू कन्वे सीक्रेट मैसेज और कोड। विल देयर आर मैनी लेजिटिमेट यूजेस फॉर स्टिग्नोग्राफी। मालवेयर डेवलपर्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड टू यूज स्टिग्नोग्राफी। फॉर्म ऑफ स्टिग्नोग्राफी जैसे कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम किस रूप में इसको यूजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही, इसका यूज़ हम कई सालों से नहीं, कई दशकों से करते आ रहे हैं। जैसे कि हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि स्टिग्नोग्राफी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो द फर्स्ट यूज़ ऑफ स्टिग्नोग्राफी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 440 BC व्हेन एंशिएंट ग्रीस पीपल रोड मैसेज ऑन वुड एंड कवर्ड इट विथ वैक्स। जैसा कि आज हम किसी भी कॉन्फिडेंशियल मैसेज या डेटा है उसको हम हाइड किसकी थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट के थ्रू, लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क एक्सेट्रा। ऐसे ही पहले जब ये डिजिटल कंटेंट या जो भी टेक्निक्स नहीं थी तो हम क्या यूज़ करते थे, जैसे रोमन्स पेपर पहले लकड़ी पे कुछ भी लिख देते थे और उसको हाइड कैसे करते थे, वैक्स के थ्रू। तो ये भी एक हिडन टेक्निक ही है कि कैसे हम हाइड करें डेटा को, मतलब ये भी एक स्टिग्नोग्राफी ही टेक्निक है। तो ऐसे ही रोमन्स, फिर बाद में आए रोमन्स, तो रोमन्स क्या यूज़ करते थे किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए, इनविजिबल इंक का यूज़ करते थे। और फिर इसको डिस्फेयर कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ लाइट और हीट। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड जर्मन इंट्रोड्यूस माइक्रोडोट्स। जर्मन ने वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम माइक्रोडोट्स का यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया। तो माइक्रोडोट्स क्या है, तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पिक्चर्स, प्लान, उसको रेड्यूस साइज में माइक्रोडोट्स के रूप में मतलब कर लेते थे, हम उसके साइज को रेड्यूस कर देते थे। और उसके पीछे जो भी हमारा मेन इंटेंशन था, मैसेज भेजना, जो भी नॉर्मल पेपर वर्क था, उसको उसके पीछे हाइड कर देते थे। ये हमने कब किया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। फिर इसके बाद था नल सिफर्स वेर ऑल्सो यूज टू हाइड अनएन्क्रिप्टेड सीक्रेट मैसेज इन इनोसेंट लुकिंग नॉर्मल मैसेज। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टिग्नोग्राफी। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कवर ऑब्जेक्ट, स्टिग्नोग्राफी आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। जिसका मतलब क्या है कि जो भी हम स्टिग्नोग्राफी या मतलब कोई भी मैसेज उसको किस किस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया, और किस किस तरीके से हाइड कर सकते हैं उसी के बेसिस पे हमने स्टिग्नोग्राफी को 5 टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है टेक्स्ट स्टिग्नोग्राफी, सेकेंड है इमेज स्टिग्नोग्राफी, थर्ड वीडियो स्टिग्नोग्राफी, फोर्थ ऑडियो स्टिग्नोग्राफी एंड नेक्स्ट नेटवर्क स्टिग्नोग्राफी। अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट स्टिग्नोग्राफी के बारे में। तो टेक्स्ट स्टिग्नोग्राफी इज हाइडिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड द टेक्स्ट फाइल। इसमें क्या है, जैसे हम कुछ भी मैसेज, मैंने डेटा या कुछ भी लिखा और मुझे किसी को सेंड करना है, तो मैं इसको हाइड किसकी भी हेल्प से कर रही हूँ, टेक्स्ट की हेल्प से। बस टेक्स्ट स्टिग्नोग्राफी का यही मतलब है कि हम जो भी डेटा है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको हम हाइड किसकी हेल्प से करें, टेक्स्ट की हेल्प से। इसलिए इसे क्या कहा गया, टेक्स्ट स्टिग्नोग्राफी। और इसका यूज़ हम कई रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट बेस्ड मेथड, रैंडम स्टैटिस्टिकल जनरेशन, लिंग्विस्टिक मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज स्टिग्नोग्राफी कि इमेज स्टिग्नोग्राफी क्या है। तो हाइडिंग द डेटा बाय टेकिंग द कवर ऑब्जेक्ट एज द इमेज इज नोन एज इमेज स्टिग्नोग्राफी। यहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या डेटा है, पहले हमने क्या किया था, टेक्स्ट का यूज़ किया था। ऐसे ही कई लोग क्या यूज़ करते, इमेज का यूज़ करते। यहाँ पे हमने जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है मेरे को तुम्हें भेजना है, तो मैं यहाँ किस चीज़ का यूज़ करूँगी, इमेज का यूज़ करूँगी, हेल्प करूँगी, इमेज की हेल्प से मैं उस डेटा को हाइड करूँगी। और ज़्यादातर माना गया है कि इमेज स्टिग्नोग्राफी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम ये देखते हैं क्यों यूज़ किया जाता है। इन डिजिटल स्टिग्नोग्राफी इमेजेस आर वाइडली यूज्ड
cover source because they are a hug number of bytes presented in the digital representation of an image. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि उसका यूज़ सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है. There are a lot of way to hide information inside an image. वो कौन कौन से तरीके हैं? Least significant bit insertion, masking and filtering, redundant pattern encoding, encrypt and scatter, coding and coalescing, transformation. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑडियो स्टिग्नोग्राफी. तो ऑडियो स्टिग्नोग्राफी क्या है? इसमें हम जो भी सिगरेट डेटा है, जो भी सिगरेट इंफॉर्मेशन है, उसको हम किसकी हेल्प से हाइड करेंगे? ऑडियो की हेल्प से. अब ऑडियो को भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इसके भी कई रूप है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को हाइड करने के लिए. तो फर्स्ट क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एनकोडिंग, वैरिटी एनकोडिंग, फेस कोडिंग, स्पीड स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा. नेक्स्ट है वीडियो स्टिग्नोग्राफी. इन वीडियो स्टिग्नोग्राफी यू कैन हाइड काइंड ऑफ डेटा इन टू डिजिटल वीडियो फॉर्मेट. द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी हिडन इन साइड एंड द फैक्ट दैट इट इज़ अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ इमेजेस एंड साउंड. तो जैसे यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे डेटा को हाइड करने के लिए? वीडियो का यूज़ करेंगे. और टू इसके भी आगे है कि इसको भी कुछ पार्ट्स में हमने क्लासेस में डिवाइड किया है. तो टू मेन क्लासेस ऑफ वीडियो स्टिग्नोग्राफी इंक्लूड एम्बेडिंग डेटा इन अनकंप्रेस्ड रॉ वीडियो एंड कंप्रेसिंग इन लेटर. सेकेंड वन है एम्बेडिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्रेस्ड डेटा स्ट्रीम. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेटवर्क स्टिग्नोग्राफी, जो कि लास्ट टाइप है स्टिग्नोग्राफी का. तो इट इज़ द टेक्निक ऑफ एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन विथ नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इन यूज इन डेटा ट्रांसमिशन. जैसे कि आप सबको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना. तो यह नेटवर्क का हम यूज़ करेंगे किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए, जैसे सच TCP, UDP, ICP-M etc. यू कैन यूज स्टिग्नोग्राफी इन सम कन्वर्ट चैनल्स दैट यू कैन फाइंड इन द ISO मॉडल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हाइड इंफॉर्मेशन इन द हेडर ऑफ ए TCP/IP पैकेट या IP इन पैकेट इन सम फील्ड दैट आर आइदर ऑप्शनल. नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट टूल्स टू परफॉर्म स्टिग्नोग्राफी. कौन से बेस्ट टूल्स है स्टिग्नोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए? तो स्टिगोसीट, स्टिग हाइड, जियो स्टिग्नोग्राफी, एसुट पिक्सेल, ओपन फब. ये जो टूल्स यहाँ बताए गए इसका यूज़ कर सकते हैं हम स्टिग्नोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए. अब हम देखते हैं कि स्टिग्नोग्राफी कैसे डिफरेंट है क्रिप्टोग्राफी से. तो आप सबको पता होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है. तो स्टिग्नोग्राफी क्या है? स्टिग्नोग्राफी में हम जब डेटा को हाइड करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? इमेज का. और जब क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं? डेटा को हाइड करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? की का. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए टेक्निक टू हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. ये स्टिग्नोग्राफी की डेफिनेशन. और क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज़ ए टेक्निक टू कन्वर्ट डेटा इनटू एन इनकम्प्रेंसिबल फॉर्म. तो पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस वैसे तो सेम ही है कि इसमें कीप कम्युनिकेशन सिक्योर प्रोवाइड इन स्टिग्नोग्राफी. और इस क्रिप्टोग्राफी में क्या है? प्रोवाइड डेटा प्रोटेक्शन, डेटा अवेबिलिटी सॉरी डेटा विजिबिलिटी नेवर स्टिग्नोग्राफी में. क्योंकि इसमें तो डेटा दिखता ही नहीं कि कुछ है भी सही. क्योंकि जैसे मैंने इमेज ली तो मैंने इमेज के पीछे डेटा को हाइड किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ मैंने मैसेज भी लिखा है. इसलिए विजिबिलिटी क्या है? नेवर. क्रिप्टोग्राफी ऑलवेज, क्योंकि हम डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं की के थ्रू, पर वहाँ ये पता चलेगा कुछ ना कुछ तो मैसेज है यहाँ पर. डेटा स्ट्रक्चर, स्टिग्नोग्राफी में कोई डेटा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, क्रिप्टोग्राफी में डेटा स्ट्रक्चर चेंज होगा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को. की इसमें स्टिग्नोग्राफी में ऑप्शनल है कि आप की का यूज़ करो या मत करो, पर क्रिप्टोग्राफी में क्या है? नेसेसिटी है कि आपको की यूज़ करनी है. पहला अगर स्टिग्नोग्राफी में जैसे किसी को पता चल गया कि इमेज के पीछे डेटा है तो वो उसको क्या कर लेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा. क्रिप्टोग्राफी में भी यही है कि वो अगर उसको पता चल गया तो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है डेटा को डिक्रिप्ट कर को. ओके, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ स्टिग्नोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी. तो मैंने जैसे आपको बताया है कि स्टिग्नोग्राफी ज़्यादा एडवांटेज ज़्यादा मतलब लाभदायक है हमारे लिए कंपेयर टू क्रिप्टोग्राफी, बिकॉज इसमें किसी को पता ही नहीं रहता है कि हम कोई मैसेज भी सेंड किया है. नेक्स्ट है डिजिटल वाटर मार्किंग एंड स्टिग्नोग्राफी. तो वाटर मार्क यूज प्राइमरी फॉर आइडेंटिफिकेशन. वाटर मार्क जो है एम्बेडिंग ए यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए मीडियम विदाउट नोटिसेबल अल्टरिंग द इमेज. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव डिग्रेडिंग ये विदाउट सीरियसली डिग्रेडिंग इमेज. ये वाटरमार्क है क्योंकि वाटरमार्क जो कि इनविजिबल होता है वो भी एक तरीके से स्टिग्नोग्राफी के थ्रू ही काम करता है, पर वाटरमार्क का भी हम यूज़ करते हैं प्राइमरी फॉर आइडेंटिफिकेशन.
तो वाटरमार्क इज ऑल्सो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा को हाइड कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं कि उसका कोई मिसयूज या उसको कोई कॉपीराइट नहीं कर पाए, है ना। थैंक यू।